तो गाइस हम लोग आज बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो बना रहे हैं। सो आपने जैसे देखा रहेगा टाइटल में, दिस इज़ अबाउट हैंडल राइजेस और फोक राइजेस जो हम लोग कटिंग करने वाले हैं। तो ये PS कस्टम्स के फोक राइजेस है और ये हैंडल राइजर है। तो ये मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदा है कहीं से, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे गैराज पे आए हैं। गैराज पे इसके लिए आए हैं क्योंकि अभी हमको सब टूल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गैराज में आता हूँ ताकि सब टूल्स मिल जाए फटाफट, और मैं मेरी गाड़ी का काम यहीं पे करता हूँ। तो अभी हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले रेफरेंस के लिए मैं ये चेक करूँगा कि हमारी गाड़ी की अभी एग्जिस्टिंग हाइट कितनी है और फोक राइजर्स लगाने के बाद इसकी हाइट कितनी होती है। तो गाइस अभी हमारे पास मेजरिंग टेप नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं अभी बताता हूँ। तो गाइस अभी रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा पॉइंट ले। चलो ठीक है, ये हमारा जो ब्रेक लीवर है, तो ये नीचे से एग्जैक्टली पॉइंट ये ब्रेक लीवर का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ तक आता है। तो अभी हम लोग ये फिटिंग करेंगे, बाद में बताता हूँ आपको इसकी हाइट कितनी पड़ गई। एक बार मैं आगे से भी कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो आगे से अगर आप देखते हो तो ये मेरा जो ब्रेक लाइनर है इसका जो ये पॉइंट है दिख रहा है आपको, यहाँ तक है ये क्या हाइट। तो चलो फिर थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ गई। हम लोग अभी काम शुरू करते हैं। पहले तो ये मैं फोक लूज कर दूंगा ताकि होप्सो कैमरा सब कैप्चर कर रहा है, क्योंकि ये मैंने अभी हेड माउंट लगाया है और इसका एंगल थोड़ा सा डाइसी हो जाता है जब भी आप हेड माउंट पे लगा के खुद रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एंगल में थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो मैंने अभी फोक लूज कर दिया है। ये 22 के पाने से अब मैं ये जो फोक कैप्स है फोक घूम रहा है, इसके लिए मैं इनको टाइट कर देता हूँ। ओके तो मैंने ये अभी कैप आप देख सकते हो, वो कि ये जो कैप है ये मैंने लूज कर दी है। ओके सो दिस इज द कैप, मैं इसको रिप्लेस करूँगा। क्या हो गया कि जो फोक राइजर हम लोग लगा रहे थे उसके लिए जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने अभी ये हैंडल खोला है क्योंकि हमको तो हैंडल राइजर भी लगाने हैं। ये मैंने हैंडल खोल रहा हूँ मैं, जस्ट पिक इट अप, कीप इट दिस वे। ये काफ़ी नॉर्मल है, ऐसे ही रखते हैं जब भी आप हैंडल खोलते हो। यहाँ पे अभी ये फोक राइजर जा रहा है, फिटिंग हो रहा है। होप्सो आपको ये दिख रहा है, कैमरा पकड़ रहा है एंगल में।
तब मैं इसे दूसरे को खोल रहा हूँ। क्वाइट ईजी, ऐसे तो कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नोहाउ मालूम होना चाहिए तो आप गाड़ी का कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी एज इन इंजन का भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इतने तक मत जाइए, ये कुछ बेसिक्स है, ये आप खुद कर ही सकते हो। ओके, तो दूसरी कैब भी हमने निकाली है कोक की। ओहो हो हो, शायद से आपके ध्यान में आया रहेगा क्या हो गया। इसके ऊपर एक प्लेट होती है जो हमने फिटिंग की नहीं, हम लोग इसको फिर से निकालेंगे और प्लेट को डाल देंगे अंदर। ओके, ये प्लेट है, दिस विल गो इनसाइड एंड देन इसके ऊपर ये प्रॉपर एज फिट होगा। तो मैं अभी इसे टाइट कर रहा हूँ। ओके, अभी ये हाथ से जितना फिट हो सकता है हो गया। अभी मैं इसको और टाइट करूँगा। सो गाइस, हमने एक ऐप तो लगाई है जो फोकराइजर है, अब मैं इसको थोड़ा टाइट करता हूँ। तो ये हो चुका है टाइट फिक्स। तो गाइस, एक तरफ का अभी ये फोकराइजर टाइट हो चुका है, अभी हम दूसरी तरफ का करेंगे। सो गाइस, अभी ये दोनों फोकराइजर टाइट हो गए हैं, अभी हम इसको सेट करेंगे, इसको नीचे पुश करेंगे ताकि गाड़ी की हाइट, मतलब फोक, सॉरी, ताकि फोक की हाइट बढ़ जाए। तो ये हमने नीचे ये जो चेक नट है इसको लूज़ कर दिया है और
इस चेक नेट को भी अभी हम लूज करेंगे। तो ये दोनों चेक नट अभी लूज हो चुके हैं, ऊपर वाला भी या नीचे वाले भी। तो गाइस अभी हमने इस बंदे को पीछे बिठाया ताकि ये यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस मिले। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये फोक्स को मैं धीरे धीरे पीछे करने वाला हूँ। यहाँ का थोड़ा हार्ड जा रहा है, यहाँ का इजी जा रहा है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक पुश। ओके, सीमाइट हो गया। अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़े बेसिक स्किल्स या तो नो हाउ मालूम होना चाहिए, तो आप ये खुद से कर सकते हो। सो ये कैमरा में कैप्चर होता होगा। ओके, थैंक यू भाई, उतर सकते हैं अभी बिंदास। तो अभी हमने ऊपर का जो कैच नट है सब फिटिंग हो गया, अब मैं नीचे के कैच नट टाइट कर देता हूँ। सो गाइस अभी हमारा दोनों कैच नट टाइट हो चुका है, अभी हम लोग हैंडल बार राइजर की फिटिंग करेंगे। सो गाइस अभी हम हैंडल बार राइजर की फिटिंग करेंगे। तो दिस आर दी हैंडल बार राइजर्स फ्रॉम पीएस कस्टम्स। तो हैंडल बार राइजर पीएस कस्टम्स से हैं, हमारे फोक राइजर भी पीएस कस्टम्स से हैं, और अगर आप देख सकोगे ये मेरा क्रैश गार्ड है, ये भी पीएस कस्टम्स है। तो अगर मैं आपको ये स्टोरी बताऊं, ये हैंडल बार राइजर और फोक राइजर की, ये जो फोक राइजर हैंडल बार राइजर है, एजेड यूज़र था, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाला था दैट ही वांट्स टू सेल दिस हैंडल बार राइजर फोक राइजर, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी बेच दी है। तो अगर मैं मुंबई से खरीदता तो मुझे 3,500 पड़ते थे इसके। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है जो बैंगलोर में है, उसको मैंने ये कलेक्ट करने के लिए बोला। आई गॉट दिस फॉर 2,000 और 300 रुपीज़ मुझे कुरियर का चार्ज लगा, देन इट्स ओके, 1,000 रुपये बच गए, वही मैं सोचता हूँ। अब
अभी इसको उसको लूज करना पड़ेगा। सो गाइस ये हैंडल बार राइजर हमने इसको एडजस्ट कर दिए हैं। आप ये जब भी लगाते हो तो ज़रा थ्रेड्स इसको अच्छी तरह से मैच करना, वरना क्या हो जाएगा आपके अगर ये थ्रेड ख़राब होते हैं तो आपको ये जो बेस प्लेट है जिस पे ये हैंडल फिटिंग होता है ये आपको नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये थ्रेड्स उसी में टैप किए जाते हैं। अरे हाँ, थोड़ा मुझे हैंडल इसको एडजस्ट करना है, बाद में मैं टाइट करूँगा इसको। तो ये ठीक है लग रहा है मुझे, तो अब मैं इसको टाइट करता हूँ। अब जब भी बोल्ट्स टाइट करते हो तो कोई भी एक बोल्ट पूरी तरह से मत टाइट कीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसे आपको टाइट करना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप एक ही बोल्ट ज़्यादा टाइट करोगे तो उसके दूसरे जो दूसरी तरफ वाले जो बोल्ट है ये फिट नहीं होंगे, बराबर आउट हो सकता है। ऑलमोस्ट ये टाइट हो चुका है। अब सोचोगे मैं क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तो आगे से ज़्यादा टाइट और पीछे से थोड़ा कम करना चाहिए। इसकी हाइट में आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा गैप है और यहाँ पे पूरा ये फिट हो गया है, तो इससे मैं थोड़ा लूज़ करके, मैंने वही कह रहा था मैं कि आप जब भी बोल्ट्स कोई टाइट करते हो तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं अगर इसकी फिटिंग ढंग से नहीं रहेगी तो। ये अभी हो चुका है टाइट, ओके तो ये फिट हो चुका है। तो अभी गाइस मैं ये आखिरी फिटिंग्स कर रहा हूँ, जो जो मैंने बोल्ट्स लूज किए थे वो मैं कस रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ। तो जैसे हमने 1, 2, 3 और 4 ये बोल्ट खोले थे, उसके अलावा हमने ये 4 बोल्ट खोले थे, तो ये अभी हो चुके हैं टाइट। अब मैं इसकी टेस्ट राइड लूँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे लग रहा है। ये थोड़ी सी टेस्ट राइड कर ली इसकी, काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर हो गया। तो अभी आप देख सकते हो ये बाग बस्टर्स है, ये पूरे नीचे हो गए क्योंकि इसकी सेटिंग हिल गई है। तो अब मैं इसको इवन मिरर्स भी ऊपर गए हैं, तो अब मैं इनको सेट करता हूँ एक अच्छे पोजीशन में। अभी हम मैं ये सब सेट करना पड़ेगा एज पर द न्यू पोजीशन के हिसाब से। ये यार 8 का पाना किधर गया, ये सब अभी हमने लूज कर दिया है, तो भी करना पड़ेगा लूज ताकि तो सेट कर सकें। तो
तो गाइस अभी आप जब भी ऐसे काम करते हो तो एक चाय की चुस्की ज़रूरी है, तो अभी हम लोग चाय पीते हैं फिर आगे का काम कंटिन्यू करूँगा। वैसे तो काम पूरा हो चुका है, बस ये मिरर्स बागबस्टर्स इसकी सब सेटिंग करनी है। ये सेट करते हैं, काम करते हैं हम लोग। पहले गाड़ी पे बैठते हैं और फिर इसकी पोजीशन सेट करेंगे। ओके, तब मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ। ओके, ये सेट हो चुका है, मैं इसको टाइट करता हूँ। आप जब ये टाइट करते हो आप ध्यान में दीजिए, क्योंकि ये जो सब पार्ट्स हैं ये है कास्टिंग के पार्ट्स होते हैं, तो टाइट करते समय आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा करते हो तो ये क्रैक हो सकता है। तो अभी इस तरफ का हमने मिरर टाइट कर दिया है, यहाँ का मैं करता हूँ। इस तरफ आपको 8 का बोल्ट है और इस तरफ 10 का बोल्ट है। अभी तो हम ये सब टाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आगे जाके इसको हम लोग फिर से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो ये हो चुका है फिट। अभी हम बागबस्टर्स को सेट करते हैं। अभी हम इस तरफ का बागबस्टर्स की सेटिंग करते हैं। तो हम पूरा टाइट नहीं करेंगे, तो इसको सेट करेंगे, देखेंगे आगे से कैसे दिख रहा है। इसके बाद इसको टाइट कर देंगे। आई फील दिस इज़ गुड इनफ। ओके, जी ठीक है, तो चलो अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से देखता हूँ इसका अलाइनमेंट थोड़ा और होना चाहिए। So this looks pretty good. Okay, सभी ये सेट हो चुका है। ये आखिरी कुछ बोल्ट्स एलन की बोल्ट्स टाइट कर रहा हूँ। गाइस ऑल सेट। अगर और कुछ करना है तो हम इसको बाद में कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है। तो चलो फिर अभी हम टेस्ट राइड लेते हैं। अभी हम जाते हैं टेस्ट राइड के लिए। अगर आप मुझे पूछोगे कैसे लग रहा है अभी, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हिमालयन पे बैठा हूँ। थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि
पहली बार मैं चला रहा हूँ ये सब होने के बाद, या बट देन द पोस्चर बहुत कंफर्टेबल हो चुका है पोस्चर। आगे बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर इस पर अभी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो जो मेरा थोड़ा हल्का सा जो कमर दर्द होता था, पीठ दर्द होती थी, वो सब अभी नहीं होगी। बहुत फर्क पड़ गया इसका हैंडलिंग, एकदम कंफर्टेबल हो चुकी है अभी तो। चलो दैट्स गुड थिंग। वही जब आप देख सकते हो, हमने पहले जब इसकी हाइट देखी थी तभी ये जो पॉइंट है स्कूटर का, ये पॉइंट है, ये बराबर इधर आता था। अभी आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट इसमें 1 इंच का फर्क पड़ चुका है। सो ऑलमोस्ट 1 इंच हमारी ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, बढ़ गया, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये लॉन्ग ड्राइव पे जब हम जाते हैं, ऑफ रोड करते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा हो जाएगा। सो गाइस, इसी तरह से हमारा फोक राइजर और हैंडल बार राइजर हमने फिट कर दिए हैं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जहाँ पर आप उसकी गाड़ी का खुद काम कर सकते हो। चलो टेक केयर, बाय।